बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ देसी चिकन। तो ये देसी चिकन है तकरीबन हाफ किलो से ज़्यादा। तो इसमें जो मसाले चाहिए वो बताती हूँ। ये प्याज, अदरक और लहसुन साबुत काट लिया, सुरख मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, 1 से 2 सिनेमन स्टिक्स, 3 से 4 सब्ज इलायची और ये ब्लैक बड़ी वाली मोटी इलायची। तो चलो शुरू करते हैं इसको बनाना। जी हांडी में हमने डाल दिया चिकन। आ जाएंगे ये खड़े मसाले, ये जो तमाम मसाले बताए थे, और इसमें तमाम मसाला जात और पानी डाल के रख दिया है, क्योंकि ये देसी चिकन थोड़ा सा टाइम लेता है बनने में। तो इसके लिए हमने पानी डाल के तो इसको रख दिया। तो एक बॉयल आएगा तो फिर इसको आहिस्ता कर देंगे और ये आहिस्ता से पकती रहेगी। ये 1.5 से 2 घंटे लगेगा इसको पकने में। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी व्यूअर्स, 3 से 4 घंटे के बाद ये हमारा चिकन गल चुका है। अब इसको डालते हैं हरी मिर्चें और ऑयल सूखा धनिया थोड़ा गरम मसाला भुनाई कर लेती हूँ। देखिए जी हमारा चिकन बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसकी करते हैं गार्निश। ये हमारा देसी किचन कढ़ाई तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत मज़ेदार चिकन बनाया है। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो क्या करें? अल्लाह हाफिज़।